मेहरबानी जरा तवज्जो दे आज सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया नय्यरा मुनव्वरा हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपना लख्त जिगर हुसैन उठा के अपने बाबा जान की गोद अंदर रख दिया ने। इधर बैठ के मंदिर वेखन लग पईयां ने, अज मेरा बाबा मेरे पुत्र हुसैन गुट्टी खजूर नाल देणगे, अज मेरा बाबा मेरे पुत्र हुसैन गुट्टी आबे जमजम नाल देणगे या मिठे पानी नाल देणगे। लेकिन बाबे दी वकार मंदिर कुछ और है, हुसैन पाक अपने नाना जान की गोद अंदर आए। इधर मेरे आका ने अपने पुत्र हुसैन अपनी जुबान चुसवाना शुरू कर दी। सहरा पाक ने मंदिर वेखिया ते तड़प गई ने, हाथ बन के आ दिया ने, बाब लाओ समझ नहीं आई अज दुनियादारा दिया बच्चिया गुटियां दिखा जा ने। किसी गुट्टी मिठे पानी नाल, किसी आबे जमजम नाल, किसी खजूर नाल, लेकिन तुस मेरे हुसैन गुट्टी अपनी जुबान दे नाल क्यों दिती है, अपने लुआब दे नाल क्यों दिती है। जुमले का इस्तकबाल करना। मेरे आका ने फरमाया जहरा तेनों नहीं पता अज हुसैन का तू बचपन पे वेख दी है, पर मैं हुसैन का बुढ़ापा पिया वेखदा वा। फरमाया तू हुसैन का मदीना पे वेख दी है, मैं हुसैन का करबला पिया वेखदा वा। फरमाया तू हुसैन नू अपनी गोद च पे वेख दी है, पर मैं हुसैन की गोद चली अकबर का लाशा तड़पदा पिया वेखदा वा। फरमाया जहरा मैनू पता है कल मेरे हुसैन ने करबला दे टिबिया ते डेरे लाने ने, कदी अपने वीर अब्बास दा लाशा चुकना है, कदी जवान पुत्र अली अकबर दा लाशा चुकना है, कदी कासम दा लाशा चुकना है, कदी ओनो मुहम्मद दे नन्ने नन्ने लाशे चुकने ने। फरमाया करबला दे टिबिया ते मेरे हुसैन ते पानी बंद हो जाना है, अज मैं अपने पुत्र हुसैन ना अपनी जुबान दे नाल गुट्टी पिया देंदा वा। जिदी बरकत ला कयामत तक मेरे हुसैन प्यास नहीं लगने। फरमाया ज़हरा तू हुसैन का बचपन देख रही है, पर मैं बुढ़ापा देख रहा। तू मदीना देख रही है, पर मैं करबला देख रहा। तू हुसैन नू अपनी गोद च वेख रही है, पर हुसैन की गोद च मैं अली असगर का लाशा तड़पदा वेख रहा। फरमाया मैनू पता है मेरे हुसैन ते पानी बंद होना है, लुआब तहन दे नल गुट्टी दे रहा, जिदी बरकत नाल मेरे हुसैन नू दोबारा प्यास ही नहीं लगी। आओ ना जीदाने गरामी कदर ताई करके ते फिर असी अज सुन्नी गली गली ते कूचे कूचे ते नगर नगर लोगों नू आई दावत फिक्र पै दें कि ये दिल भी माशाल्लाह। अच्छा एक शेर मेरे नाल रल के पढ़ लोगे, एक शेर पढ़ लो कि केड़ा केड़ा पड़ेगा माशाल्लाह। गर्मी है पर सानू भी गर्मी लगती है, इन्नी भी नहीं जिन्नी तुसा बढ़ा लीए। मैं हुण तुहाड़ा जौक भी चैक करना है, जिन्हां दे बाजू सलामत ने ना कोई बीमारी नहीं, अपने बाजू थले नहीं करने, गाजी अब्बास के बाजूआ का सदका थले नहीं करने। बार बरामदे वाले भी बई अपने बाजू उठाओ, नहीं तो मैं आ जाना कोल ते पुछना है। महफल च बोलना नहीं सी ते आया कादे लई, अपने बाजुआं नू उठा के झंडे बना के एन लहरा के पता चले नबी दी आल दे नाल वफा करन वाले बैठे ने। फिर मिल के कह लो ये दिल भी है, ये जहां भी हुसैनी है अलहम्द के अपना तो ईमान भी मिलके अलहम्द के अपना तो
मेरे आका ने हुसैन दे एक कान च अजान पढ़ी बाबा जी, दूसरे कान च अकामत पढ़ी, अखां अखां विच इशारा कीता, फरमाया हुसैन बेटा ख्याल करी तेरे कन्ना विच अजान पढ़न वाला कोई आम नहीं, नबियां दा सुल्तान है। फरमाया बेटा हुसैन इस दित्ती हुई अजान दी लाज भी रखना, मैं जुमले दा कहना है ते इस्तकबाल करना है तुसा, इस दित्ती हुई अजान दी लाज भी रखना। हुसैन ने अपने नाना दियां निकामां विच निकामां मिलाइया, इशारियां इशारियां विच अर्ज कीती नाना फिक्र ना करो, हुसैन तुहाडी दित्ती हुई अजान दी लाज इंज दी रखेगा, कयामत तक लोग रब नूं सजदा करनगे पर हुसैन इंज दा सजदा करेगा, सजदा जमीन ते करेगा, कुरान नेजे ते चढ़ के पढ़ेगा, सजदा जमीन ते करेगा, कुरान नेजे ते चढ़ के पढ़ेगा। बस हजरात उसी दित्ती हुई अजान दी लाज रखण दा वेला आ गया। सुनदे रहंदे हो, वक्त नहीं तफसील दा, मैं दर्द वाले चार जुमले कहने ने। अगर तेरा दिल पत्थर दा ना होया ते अख पत्थर दी ना होई, अख नम हो जाएगी, दिल तड़प जाएगा। और याद रखिए एक जुमला, दिल दी तख्ती ते नोट करके जाई, रोजाना उलमा समात करदे हो, यादे हुसैन च बाबा जी गमे हुसैन च रोना शिरक ते बिदत नहीं, ए अदाए मुस्तफा। क्या बात है तुहाडी, याद रखना हुसैन दी याद च अख दे विचों एक आंसू दा कतरा भी निकल गया ना, जाया नहीं जाएगा, कयामत वाले दिहाड़े जरिया निजात बढ़ता है। करबला डेरे लग गए, दस मुहर्रम दी सूरज तुलू, अलामा साहब बयान कर रहे सन कि शहादतों दे सिलसिले शुरू। एक और जुमला सुन लै, कल्ला मेरा इमाम हुसैन अपने कंधियां ते कदी गाजी अब्बास दा लाशा चुकदा, कदी बाबा जी कासम पाक दा लाशा चुकदा, कदी जवान पुत्र अली अकबर दा लाशा चुकदा, आउन मुहम्मद दे लाशे चुकदा ते खैमियां वल लैके आउंदा। हां तारीख विच तेनू बड़े बड़े साबर नजर आणगे, लेकिन रब्बे काबा दी कसम है हुसैन वर्गा साबर नजर नहीं आएगा। मैं वापसी करबला दे हवाले नाल भी एक गल करनी है, जे आप दा ज़ौक शामले हाल रहा, एक जुमला शहादत दा सुन लो फिर अगे चलिए। वारो वारी सारे चले गए, लजपाल हुसैन ने निगाह मारी ना ते कोई नहीं, ख्याल आया मैं आप जावा ते नाने दे दीन दी खातिर शहादत का जाम नोश करा, तड़प जाएगा। औलादा वाले बैठे हो, मेरा इमाम तैयारी करके बस खैमे चो बाहर निकलिया ना, ते मेरे इमाम दे कन्ना विच एक नन्ही जी आवाज आई, मेरे इमाम ने मुड़ के खैमे वल वेखिया, गल उन्हूं समझ आएगी जिदी गोदी विच छोटी बच्ची है, गल जरूर समझ आएगी। मेरे इमाम ने पिछे मुड़ के वेखिया, 6-7 साल दी बच्ची है सकीना, अपना 6 महीनों का वीर लैके अपनी गोदी विच खड़ोती है। इमाम ने फरमाया बेटी मेरा आखिरी पेपर है, खराब ना कर, छेती बोल की कहना चाहती है। शकीना यादी है बाबा मेरा चाचू अब्बास प्यासा टुर गया, मैं नहीं बोली, मेरा अली अकबर प्यासा टुर गया, मैं नहीं बोली, मेरा कासम प्यासा टुर गया, मैं नहीं बोली,
आनो मुहम्मद प्यासे टुर गए ने पर मैं नहीं बोली। बाबा ऐ मेरा छे महीनियां दा अली असगर वीरे जदो प्यास दी शिद्दत नाल अपनी खुश्क जुबान खुश्क तालू नाल लगा के तड़पदा है मेरे को सबर नहीं हुंदा। ले जाओ मतलब किसे नूं तरस आ जाए दो घुट पानी दा मिल जाए। जिस तरह अलामा साहब फरमा रहे सन कि मेरे इमाम ने फरमाया बेटी तेनू पता है हुसैन मंगण वाला नहीं हुसैन ते वंडण वाला। मैं इन्हां कोल पानी नहीं मंगना। बाबा परदेसन दी दा सवाल है कबूल कर लो। मेरे इमाम दियां अखां चों आंसू जारी हो गए। सकीना दे सर ते हाथ रखिया फरमाया ठीक है बेटी मैं तेरे वीर नूं लै जांदा आखरी वीर नूं अतमामे हुज्जत वास्ते। मता कयामत वाले दिहाड़े कोई यजीदी है ना आखे मौला सानू ते पता ही नहीं सी हुसैन दे खैमियां विच छे महीनियां दा लाल भी है नहीं ते असी पानी पिला देंदे। आला दर्द दे रखण वाले बस मेरे इमाम ने अपना नल्ला जिया शहजादा उठाया। हजरात जिदा नाम अली असगर है हजरात जी की उम्र छे महीने जुबान दी प्यास दी शिद्दत नाल जिदी जुबान बार आ रही है। आला दर्द दे रखण वाले दर्द वाले चार जुमले समाद करदा जाओ। मेरा इमाम अपना नन्ना जिया शहजादा लैके जिस वेले खैमे चो बाहर निकले आओ सैयदा सकीना यादियां ने बाबा मेरे वीर दा जिसम बड़ा नाद है के सूरज दी तपश है गर्मी दी शिद्दत है मेरे वीर दे चेहरे ते कपड़ा पा लो मेरे वीर दूज गर्मी ना लगे। बस हजरात मेरे इमाम ने अली असगर दे चेहरे ते कपड़ा पाया। अज नहीं पता लगदा मेरे इमाम ने कुरान चुके आए या अपनाया आखरी लाल चुके आए। आना छोटे छोटे बच्चिया नो अपने सीने से लेटा के सारे दिन की थकावट दूर कराना ले आओ। जरा मेरे इमाम का हौसला तो सबर भी वेखी। मेरा इमाम नन्ना जिया शहजादा लैके जिस वेले मैदाने कारदार दे अंदर आया इधर यजीदियां दे नारे बुलंद हो गए। आधे ने लगता है हुसैन कुरान लैके आ गया है लगता है हुसैन मिन्नत समाजत करन लई आ गया है लगता है हुसैन नू यजीद दी बैत मंजूर हो गई है। मेरे इमाम ने अली असगर दे चेहरे तो कपड़ा लाया फरमाया ना ना जालम हुसैन कुरान नहीं लैके आया हुसैन ते अपना आखरी लाल लैके आया है। मत ऐ ना आखियो हुसैन करबला दियां टिबियां चो आखरी पुत्र बचा के लै गया सी। फरमाया नाने दे दीन दी खातिर अली असगर भी कुर्बान करन लई आ गया वा। दर्द वाला जुमला जरा मुहब्बत दे नाल समाद कर ले अपने दिल ते हाथ रख के समाद कर ले। अगर हाथ इधर अचानक यजीदियां दे नारे बुलंद हो गए आते ने हुसैन दे आखरी पुत्र भी बच के ना जाए हुसैन दे आखरी लाल भी बच के ना जाए। शिमर बोल के आदे हुरमला तेरी जिंदगी दा रकाटे अज तक तेरा निशाना जाया नहीं होया तेरे निशाने बड़े पक्के ने छेती कर अली असगर दे हलक दा निशाना ले अली असगर दे हलक च तीर पैवस कर दे। आना दर्द दे रखण वाले आए दे नालों दर्द वाला जुमला मेरे कोल होर कोई नहीं। और मल बेईमान ने तीर दे निशाने लेना शुरू कीते लेकिन कोई तीर इधर पिया आया होंदा है कोई तीर इधर पिया आया होंदा है कोई तीर इधर पिया आया होंदा है। शिमर बोल के आदा होर मला की पिया करदा है अज तक तेरे निशाने जाया नहीं होए क्यों तेरे निशाने जाया हो रहे ने। और मला दे जदों मैं तीर खिचदा वा सामने खैमिया विचों छे सत साल दी बच्ची शकीना हाथ जोड़े नजर आती है आदि ये जालमा ना मारी
मेरा आखरी वीरे शाला विछड़ा ना वीर किसे दे ते ना हाण नुमानिया बैणा जिस बैण दा वीर लगाई उसकी दुनिया च लैणा। आखरी दर्द वाला जुमला सुन ले आखिर होरमल बेईमान ने तीर दा निशाना लिया अली असगर दे हलक च तीर पैवस्त हो गया मेरे इमाम दे हत्था में चली असगर तड़पया ओए लोगो तड़प जाओगे मेरे इमाम ने तीर वाल वेख्या तीर वाल वेख के बड़ा अजीब जुमला बोलिया फरमाया जालमा अपना तीर वेख मेरा सगीर वे अल्लाह थोड़े आंसू कबूल करे अखा बस पईयां ने ऐ जाया नहीं जे जाने आंसू दर्द नाल दो जुमले और समाध कर लो मेरे इमाम ने फरमाया अपना तीर वेख मेरा सगीर वेख ए ओ तीरे जिदे दो मुने जिदे नाल जंगल च जानवरां दा शिकार कीता जांदा है बस अली असगर दियां निगाहां बदलन लग पईयां मेरे इमाम ने फरमाया बेटा अली असगर दो घड़ियां ठहर जाओ मैनू खैमिया तक पहुंच लैण दे मैं तेरी बैठ शकीला नू की जवाब देवांगा बस मेरा इमाम नन्ना जिया लाशा लेके चलदियां चलदियां खैमियां विच आया लो जवानों जुमले वल गौर करना इधर शकीना दौड़दियां दौड़दियां अपनी फुफी दे खैमे विच आई आके आदिए फुफी अम्मा बाहर निकल के वेखो मेरा वीर अली असगर आ रहा है लगदा मेरे वीर नू पाड़ी मिल गया है जदों गया सी तड़प रहा सी हुण खामोश है मेरा इमाम लाशा लैके खैमिया चाया शकीना आदिए बाबा मेरे वीर नू पाणी मिल गया है मेरे इमाम ने अली असगर दे लाशे तो कपड़ा हटाया फरमाया सकीना पानी ते मिल आए लेकिन नहर फुरात दा नहीं हौज कौसर दा पी ले आए दुनिया दा पानी नहीं बस नहर फुरात दा पानी पी ले आए। हजरात मजीद मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मजीद कोई दर्द बयान करा वादे दे मुताबिक वापसी करबला दे हवाले नाल जुमला सुन लो सारी तकरीर भुल गई ऐ एक जुमला अगर याद रह गया मेरे भाइयों का प्रोग्राम सजाना तुहाडा आना साडा आना मकसद पूरा हो जाएगा। जिस तरह अलामा साहब इशारा कर रहे सन कि मेरा हुसैन मजबूर नहीं हुण बोलो जरा सुभान अल्लाह मेरा हुसैन मजबूर नहीं बस ताकत होंदे या जोर ना लाया। फिर लोग सवाल करते ने एतराज करते ने जे हुसैन मजबूर नहीं सी ते फिर नहरे फुरात विचों खैमे तक पानी मंगाया क्यों नहीं। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहना हाजरी मुकम्मल करना चाहता। आदे ने जी हुसैन इतनी ताकत वाले होंदे इतनी कुव्वत वाले होंदे इतने इख्तियार वाले होंदे इतनी शान वाले होंदे ते फिर नहर फुरात चों खैमिया तक पानी मंगा लेंदे। मैं कहंदा वां चलिया एक इम्तिहान होंदा ते दूजा मकाम होंदा। जेड़े बोले हो तुहाडी क्या बात है फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं कहा इम्तिहान और चीज है मकाम और चीज है। आदा जी समझ नहीं आई
मकाम ते इम्तिहान च केड़ा फर्क है। मैं कह फकीर समझा के जाएगा, इधर हुसैन पाक मदीना पाक दे अंदर अपने नाने दे कंधियां ते सवार नजर आंदे ने, है मकामे हुसैन करबला विच पानी बंद नजर आंदा है, है इम्तिहान हुसैन। नहर फरात के पानी की गल करना, रब्बे काबा की कसम है नहर फरात का पानी की हो जलिया, मेरा इमाम चांदा ते कौसर चो मंगा लें। पर हुसैन करबला दिया टिब्बिया अलामा साहब पानी पीण नहीं आए, अपने नाने का दीन बचाण आए ने। उची बोलो जरा, हां इन्हां दी ताकत वेखनी आ, इन्हां दी कुव्वत वेखनी आ, इन्हां दी अजमत वेखनी आ। उठा तारीख करबला, आखिरी बार 11 मुहर्रम दी सुबह नूं जदों ये लुट्टा पुट्टा काफला दुनिया दे लालची कुत्तियां ने इनाम लैण वास्ते वापस यजीद दे दरबार च लै जाना चाह ना, परदादार बीबियां नूं नंगियां सवारियां दियां पुश्तां ते सवार कीता गया। मेरे इमाम हुसैन दा एक पुत्तर जिहदा नाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है, 3 दिन दा भुखा ते प्यासा बुखार दी शिद्दत इन्हां दा जुल्म खत्म नहीं होया। मेरे इमाम दे हत्थां विच पैरां विच हथ कड़ियां ते बेड़ियां, गले विच तौक, तवज्जो, सवारी ते सवार कीता, काफला टोरिया। मैं एक एक मंजिल पढ़ा ते सारी रात चाहीदी है, एक मंजिल पढ़ना चाहता, तवज्जो रही ते सीना मदीना बन जाएगा। चलदा चलदा जदों एक काफला मकामे हलब ते पहुंचिया ना, हलब मकाम ते तारीख दसती है, परदादार बीबी परदादार औरत लाठी लड़खड़ांदिया लड़खड़ांदिया टुरी आउंदी है ते काफले नूं रोक के आदी है, काफले वाले ओ ऐ ते दसो क्या तुहाडे विच कोई हकीम भी है? ऐथे कहना सी सुभान अल्लाह, कोई हकीम भी है? अगे सी कि यजीदी कुत्ता, उन्हें सुनिया ना माई हकीम दा पुछ रही है, नऊज बिल्ला मेरे इमाम दा मजाक उड़ाण वास्ते तमस्खर उड़ाण वास्ते मेरे इमाम वल इशारा करके आदी, अम्मा हकीम दा पुछ यही ना, ओ जिदे हत्थां ते पैरां अंदर हथकड़ियां ते बेड़ियां ने, गले विच तौ के ओ बड़ा हकीम ही। माई नूं समझ नहीं आई, चलदिया चलदिया मेरे इमाम दे करीब आई, आखरी जुमले मेरे इमाम दा चेहरा वेख के वडेरी जी माई बोल के आदी है, लजपाला मैनू पता चले है तू हकीम है। फरमाया मां की कहना चाहती है? लजपाला मेरा एक ही जवान बेटा है मेरी जिंदगी दा सहारा, बाकी मेरिया बेटियां ने अज रात किसी मूजी जानवर ने मेरे पुत्र नूं डंग मारे, आखरी सांस ते आखरी लम्हात ने अगर इलाज कर दे मेरा पुत्र बच जाएगा, मेरी जिंदगी का सहारा बन जाएगा। ऐस जुमले ते ना बोले ते घर जान तक दुख लगेगा। मेरे इमाम ने सुनिया ते ऐ नहीं फरमाया मां अपने पुत्र दा इलाज कराना ही ते जा किसे हकीम किसे तबीब किसे डॉक्टर नाल राबता कर, इन्हें ते मेरा मजाक उड़ाण वास्ते तेनों मेरे वल घले है। ना ना मेरे इमाम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई, मेरे इमाम ने फरमाया मां जे पुत्र दा इलाज कराना चाहती है ते चंद लम्हे यजीदियां कोलों इजाजत तू ले ले,
हुसैन दा लाल तेरे नाल जान वास्ते तैयार। ना ना एक बारी फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। बस अज़ीज़ाने गरामी कदर मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उस वडेरी जी माई दे लाल लाल चल पे। हज़रात मेरे इमाम चलदिया चलदिया मेरे इमाम टुरदिया टुरदिया उस वडेरी जी माई दे घर दे करीब आए। तारीख दसती है मेरे इमाम जिस वेले घर दे करीब आए उसी माई दी जवान बच्ची रोंदिया रोंदिया बाहर निकली। माई दी बच्ची रोंदिया रोंदिया बाहर निकली मेरे इमाम दा चेहरा वेख के आदी अम्मा कौन है किन्नू लैके आई है। माई बोल के आदि बचिए हकीम लैके आई हूं ऐ तबीब लैके आई हूं डॉक्टर लैके आई हूं हुणे तेरे वीर दा इलाज करेगा तेरे वीर दी जिंदगी बन जाएगी तेरा वीर बच जाएगा। बच्ची तड़प के आदि अम्मा हकीमां ते तबीबां दी लोड़ नहीं हुण डॉक्टरां दी लोड़ नहीं मेरा वीर ते मर गया है मेरा वीर ते फौत हो गया है। माई ने सुनिया ते अखां विचों आंसू जारी हो गए। इमाम वाल हाथ जोड़ के आदि लजपाला बड़ा करम कीता उथों चल के इथे तक मेरे नाल आया है हुण वापस चला जा मेरा वीर मेरा पुत्र ते मर गया है मेरा बच्चा ते मर गया है। आखिरी जुमला मेरे इमाम ने फरमाया मां पुत्र दा इलाज नहीं कराना अपने बच्चे दा इलाज नहीं कराना। माई हैरान हो के आदि लजपाला इलाज ते जिंदियां दा कीता जांदा है तवज्जो इलाज ते जिंदियां दा कीता जांदा है मेरा पुत्र ते मर गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया मां तेलू नहीं पता दुनिया दे हकीम जिंदियां दा इलाज कर देने दुनिया दे हकीम जिंदियां दा इलाज कर देने पर नबी दियाल मुर्दियां दा इलाज करना भी जान दिया। मां दुनिया दे हकीम जिंदियां दा इलाज करते ने नबी दी आल मुर्दियां दा इलाज करना भी जानती है। एक बारी वेड़े विच लै के चल मेरा इमाम वेड़े विच आया वेख्या माई दे जवान पुत्र दा लाशा उत्ते कपड़ा पाया। इमाम ने लाशे तो कपड़ा हटाया फरमाया कुम भी इज़्निल्लाह अल्लाह दे हुक्म नल जिंदा हो जा। रब्बे काबा दी कसम है माई दा जवान पुत्र जिंदा हो के बैठ गया। अच्छा जे तुसें इस जुमले ते भी नहीं बोलना ते फिर कदों बोलना है? एक बारी फिर बोलो जरा जवान पुत्र जिंदा हो के बह गया। माई ने मंजर वेखिया नाले रोन लग पई नाले मेरे इमाम दा चेहरा वेखण लग पई। मेरे इमाम ने फरमाया जी अम्मा अजीब गल है नाले रोंदी है ते नाले चेहरा वेखदी है। लजपाला बड़ा करम कीता ही बड़ी मेहरबानी कीती आ मेरा पुत्र जिंदा कर दिता ही मेरी जिंदगी दा सहारा बचा ले। आखिरी जुमला रोंदी इस वास्ते आ एक गल दी समझ नहीं आई फरमाया मां पुछ की पुछना चाहती है। लजपाला मेरा एक मरिया है खुलासा पेश कर रहा मेरा एक मरिया है इनू जिंदा कर दिता ही करबला अंदर तेरे 72 टुर गए उन्होंने जिंदा क्यों नहीं किया। मेरे इमाम ने जड़ा जवाब दिता है सुनेगा ते तड़प जाएगा जे एक बारी बोल सुभान अल्लाह।
आओ ना दीदाने ग्रामी कदर पे काबा दी कसमी मेरे इमाम ने सुनी आओ माही बोल के आ दिए लजपाला मेरा एक मरिया इन जिंदा कर दिता ही करबला अंदर तेरे 72 चले गए उन्होंने जिंदा क्यों नहीं किया मेरे इमाम दे चेहरे ते चढ़ा ला गया मेरे इमाम दिया अखा सुरख हो गई ने फरमाया अम्मा चुप कर जा अपने आदि गल कर अपने आदि गल कर मेरे आदि गल ना कर तेरा मरिया सी मैं जिंदा कर दिता है पर मेरे करबला वाले अज भी जिंदा ने कल भी जिंदा ने कयामत तक जिंदा ही रहने के मैं जिंदा कर दिता है पर मेरे करबला वाले आज भी जिंदा ने कल भी जिंदा ने कयामत तक जिंदा रहेंगे जे फिर भी शक हो भी ते ओ सामने वे मेरे बाबा हुसैन दा सर तन नालों जुदा है पर फिर भी मेरे बाबा हुसैन दियां लबां विचों कुरान दी तिलावत जारी आओ ना दी दाने ग्रामी कदर फिरता ही करके ते असी अज गली गली ते कूचे कूचे ते नगर नगर लोगों नू नबी पाक दी यार दी मुहब्बत दा दरस दे रहे हां असी ताई ते आंदे आ के दिल विच रख के प्यार अली दे सुनात पढ़ते हो माइक एक उन्होंने दो माइक ए दे दो मेरे नाल तुसा थोड़ी जी मदद करानी है भाई जेड़ा घरों कसम पा के है नहीं बोलना बेशक ना बोलो जेड़े फ्रेश बैठे हो ते हुजूर दी आल दी मुहब्बत लै के बैठे हो सारे तुसी मुहब्बत आले हो आज गए हो मैं चाहता आखिरी शेर इंज पढ़ो पता चले नबी दी आल दे वफादार बैठे मैं हुण तुहाडे हत्थां दी ज़ियारत करनी है या अल्लाह जिहदा हाथ उठे कयामत आले दिहाड़े उहदा हाथ गाज़ी अब्बास दियां हत्थां विच आ जाए फिर मिल के कहना है कि दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा गूंज पै जाए मिल के कहना है दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदा अली दे बच्चियां दा शाबाश तुहानू कसम लगे हाथ किसे दा थल्ले ना आए मिलके कहना बन जाता बेदा अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदा अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदा अली दे मंग ले राहब जिन्ने पुत्र मंगने क्यों आज लग आए दरबार अली दे पूरा राजिया आखिरी बार लगे आए दरबार ली दे बच्चियां दा शाबाश लगे आए दरबार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदा अली दे बच्चियां दा मुझ पे जाए बन जाता बेदा अली दे बच्चियां दा आलश कर वफा करोगे आलश कर वफा करोगे कबर की मट्टी हया करेगी गमे शबीर मनाते रहना जहरा तुम्हें दुआ करेगी फिर मिलके कहने लग आए पार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा
बन जाता बेअदार अली दे बच्चियां दा। सरकार बैठे ने, हजूर बैठे ने, अलामा साहब जहरा दे बाबा बैठे ने, ते मियां ते बीवी आ गए। मां ने पुत्र चुके है, साइया फरमाया भाई किवें आयो, साइया फरमाया किवें आयो। मां बोल के आ दी है लजपाला, ऐ मेरा पुत्र है, ऐ नाल मेरा खावंद है, ए आदा है, ए मेरा पुत्र नहीं, इहदे नसब च शक करदा है, नसब च शक करदा है। ते सोणिया मैं ते कोई अमानत च खयानत नहीं कीती, ए इहदा ही बेटा है। हुजूर ने फरमाया भाई क्यों शक करदा है, आका ए आदा है, इहदे नैन नक्श मेरे नाल नहीं मिलदे, इहदा रंग मेरे नाल नहीं मिलदा। ऐ जुमले ते ओ बोलेगा जड़ा पक्का अंदरों हुसैनी होएगा। हली बाबा जी गुफ्तगू जारी सी, ते इधरों जनती नौजवाना दा सरदार हाशा ना गया। शाबाश, एक बारी फिर बोल सकते हो ते बोलो जरा। पुत्र ने मां दी गोद विचों मारी छाल, हसन दे पैर चुमन लग पिया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ पुत्र ले जाओ, फैसला हो गया है। आहा, मैं जुमला तां पढ़ना है जे तेरे हाथ एक बारी फिर उठन जरा। आओ ना दीदाने गरामी कदर, मेरे आका ने फरमाया जाओ अपना बच्चा ले जाओ, फैसला हो गया है। अर्ज करते ने कमली वाले या केड़ा फैसला होया, मेरे आका ने फरमाया तुहाडा पुत्र हलालीए, तुहाडा बच्चा हलालीए। अर्ज की कमली वाले या किवें, मेरे आका ने फरमाया इने मेरे पुत्र हसन दा हया कीता, इने मेरे पुत्र हसन दा हया कीता है, इस वास्ते हलालीए। हरामी कदी मेरे पुत्रा दा हया नहीं करदा, फिर क्यों ना आखिए दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चिया दा। बन जाता प्यार अली दे बच्चिया दा, आखरी बार बन जाता प्यार अली दे बच्चियां दा। शाबाश, बन जाता बेअदार अली दे बच्चियां दा, बन जाता बेअदार अली दे बच्चियां दा। मानो अलामा साहब इशारा कर रहे सर, एक जुमला और कह लवा, थकते नहीं गए, चेक कर लवा तुहानू, पक्की गल है। जरा हाथ खड़े करो ना जड़े जड़े सुते हो, ठीक। अद्धे क बंदे सुते ने, अद्धे जागते, ठीक है। चलो हुण एक बारी ओ हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह आखो जड़े जागते हो। अलामा साहब, वैसे मैं महसूस किया तुहाडे पिंड वालियां दा आपस च इतफाक बड़ा है, उहदी वजह है कि एक बारी सज्जे पासे वाले सुभान अल्लाह दे ने, दूजी वारी खब्बे पासे। इतफाक होना चाहिए पर इंज दा इतफाक सानू नहीं चाहिए। जे इतफाक है तो इतफाक एक बारी तोड़ के बा जमात रल के शेरां दी तरह हाथ बुलंद करके आखो सुभान अल्लाह। सलामत रही। एक काफला चलता चलता जदों बाजार च आया ना, बड़ा अजीब जुमला है, ते एक बीबी जिन्हों पता लगे है कि कुछ कैदी आ रहे ने, हाथ विच दूध का प्याला लैके बाजार च आई। काफला रोक के आदि है
तुहाडे विच कोई औरत भी है तड़प जाएगा जे तवज्जो होएगी, कोई मस्तूर भी है उन्हों बुलाओ। सानी जहरा सैयदा जैनब भाइयां ये बीबी दूध का प्याला पेश कर दिए और ते मेरे कोल कुछ नहीं, मैनू पता चले है कुछ कैदी आए ने तेरे नाल छोटे बच्चियां भी ने बच्चे भी ने, ऐ कबूल कर लो। सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया तेरी बड़ी मेहरबानी, तू अपनी मुहब्बत का इजहार किया है, लेकिन मैं पूछना चाहती हाँ इतना प्यार क्यों पी कर दिए, साढ़े नाल इतनी मुहब्बत का इजहार क्यों पी कर दिए। बीबी बोल के आ दिए मैनू और ते नहीं पता, पर मैं मदीना पाक दे अंदर जहरा पाक दे वेड़े विच कुछ अरसा नौकरी कर दी रही हाँ। मेरी मालकन ने मैनू फरमाया सी जदो कोई कैदी तेनू नजर आवन ते उन्हां दी खिदमत कर दे। मैं अपनी मालकन दा हुक्म पूरा कर रही हाँ। जदो मदीने दा नाम आया ते सैयदा जैनब दी अखां चों आंसू जारी हो गए। फरमाया बीबी जहरा पाक दे वेड़े विच रही है जी, कोई गल ते सुना। बीबी तड़प के आ दिए एक बेटा हसन सी एक हुसैन सी, अपने हत्था नाल लोरियां देंदी रही हां। मैनू पता चले है हसन पाक शहीद हो गए ने, जहर दे दिता गया। पंगूड़े विच एक बेटी जैनब सी। मेरी जिंदगी दी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी विच मैं एक मरतबा हुसैन ते जैनब जी जियारत कर लवा। आला दर्द दे रखण वाले तड़प जाएगा सानिए जहरा, तड़प गई ते अखां विचों आंसू जारी हो गए। बोल के आ दियां ने अम्मा फिर तेरी दुआ कबूल हो गई है, तेरी दुआ कबूल हो गई है। ओ नेजे ते हुसैन दा सर तेरे सामने जैनब खलोती हुई दुआ है रब्बे कायनात मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाहे आलिया दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। तुसी आहले महल्ला ने गाँव वाले ने मिल के इतना खूबसूरत प्रोग्राम तश्कील दिता है, 10 रोज़ा जितने अहबाब ने भी जिस अंदाज दे नाल भी जितना भी हो सकिया अपना अपना हिस्सा मिलाया और मिला रहे ने। अल्लाह तमाम दे रिजक दे अंदर फरावानियाँ अता फरमाए। दुराने खुतबा अगर मेरे कोई ऐसा जुमला निकले होया होए किसी की तबीयत नागवार होए तो मैं माजरत खां। अल्लाह पाक तमाम दी हाजरी अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। अमा अलैना सब खड़े हो जाओ। सलाम वास्ते।